ये देखिए हमें ये मछली आखिरकार मिली है पास। तुम खा लो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं अपने टंकी के अंदर कुछ कमाल करने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा काफ़ी दिन से टंकी हमारी खाली पड़ी थी और मैंने इसमें नियो को भी नहला लिया। और देख सकते हो उसमें एक तिलापिया फिश आपको दिख रही होगी, वो देखिए वहाँ घूम रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना बड़ा टंकी खाली पड़ा है, उससे अच्छा मैं इसमें क्यों ना एक ऐसी फ़िश डालूँ जो कि हमें प्रॉब्लम भी ना करे और वो हार्डी फिश भी हो। क्योंकि जब से मेरी फ्लावर हॉर्न और गोल्ड फिश की डेथ हुई है ना, तब से मुझे काफ़ी डर लगता है कि कोई भी नई मछली लाने से पहले मैं 10 बार सोचता हूँ, उसके बाद ही मैं इसमें कोई फ़िश डालने या लाने की सोचता हूँ। तो ऐसे ही मैं सोच रहा हूँ कि इसमें कुछ खाली पड़ा हुआ है तो इसमें हार्डी फिश ला के डालूँ। और चलिए मैं उसे ले कर आता हूँ, फिर आपको आगे वीडियो में पता चली जाएगा कि उसमें कौन सी फ़िश डालने वाली है। तो चलिए मैं लेने जा रहा हूँ ये फ़िश, और ज़्यादा तो नहीं ला पाऊँगा क्योंकि हमारे पास उतने सारे पैसे भी नहीं है, क्योंकि बहुत खर्च होता है इसमें पैसा मछलियों में लाने के लिए। और आजकल जब से मरी है मछलियाँ उसके बाद से तो घर वाले भी मुझे देते नहीं पैसा कि ये तो फिर से ला के मार देगा, ये होगा वो होगा, जो एक हर घर का प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा कम लाने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मैं लेके आता हूँ। और चलिए फिर मैं उसके बाद डालेंगे हम इसमें, तो चलिए चलते हैं लेने। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने फ़िश ले आया है, और इसमें जो तिलापिया फ़िश थी उसे मैं निकालने वाला हूँ। देख सकते हैं ये ऊपर आ चुकी है और मैं जल्दी से निकालूंगा, क्योंकि ये अगर अंदर चली गई तो हमें इस छोटे से तालाब में उतरना पड़ सकता है। तो इसलिए हम उसे धीरे धीरे प्यार से निकालेंगे ताकि उसे डर भी ना लगे। देख सकते हो वो भाग रही है अंदर, और तब तक हम अपनी फिशेस को एक्लिमेटाइज के लिए चढ़ा देते हैं, क्योंकि इसमें भी 15 मिनट टाइम लगेगा और इसे पकड़ने में भी मुझे लगता है कम से कम 15 मिनट टाइम तो लगेगा ही। तो चलिए इसे डाल के रख देते हैं, मैं आपको आखिरी में दिखाऊंगा कि ये कौन सी फिश है और रिलीज़ भी करेंगे आज हमें इसमें। तो चलिए इसे छोड़ देते हैं तब तक। देखिए हम इसको रिलीज़ करने वाले हैं अभी, और साथ में पानी भी डाल देंगे क्योंकि ये टंकी तो इससे कम ही गंदा होगा हमारे पानी से। देख सकते हैं ये खोलते हैं और इसे रिलीज़ करते हैं धीरे धीरे से। ये देखिए छोटे छोटे बेबीज जा रहे हैं उसके, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, फिर हमारा टैंक थोड़ा भरा भरा लगेगा। लेकिन इससे मुझे ये बात का डर है कि बस हमारी जो तिलापिया फिश है इन्हें हर्ट ना कर दे। जाओ भाई, ये देखिए इसमें कुछ प्लांट्स भी आ चुके हैं, और देख सकते हैं वो घूम रहे हैं, वो देखिए कहाँ जा रहे हैं। उनके लिए बहुत बड़ा इन्वायरमेंट है ये, और देखिए ये धीरे धीरे सब जा रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे बेबीज हो जाएंगे, वो देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये सारे फिशेस। और कुछ दिनों में हमें खुशखबरी भी मिल जाएगी, और धीरे धीरे हम इसको डेकोरेट करेंगे एज अ गप्पी टैंक, गप्पी और मॉली टैंक। मैं गप्पी भी लाने वाला हूँ क्योंकि हमारे पास सिर्फ इतने ही पैसे थे जितने में इतने फिश है, और इतना ज़्यादा महंगा रेट है यहाँ पे, आपको क्या बताऊँ मैं। ये मुझे 70 रुपीज़ पेयर कह रहा था वो आदमी, देख सकते हैं लूट मची है पूरी देश में। और वो वॉल पे लगी काई खा रही है, देख सकते हैं। ये देखिए हमारी तिलापिया फिश भी वहीं घूम रही, देख सकते हैं उनके साथ ही है, आपको दिख रहा है कि नहीं। हाँ ये देखिए आपके लिए मैं थर्माकोल भी लेके आ चुका हूँ, और किस तरीके से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। और वो देखिए तिलापिया फिश उसे काटने की कोशिश कर रही है कि नहीं पता नहीं, मुझे क्लियरली दिख नहीं रहा है, लेकिन उनके साथ ही घूम रही है। देख सकते हैं सारी फिश मस्त घूम रही है, और बहुत ही जल्दी यहाँ बेबी होने वाले बहुत सारे, देख सकते हैं कि ऊपर घूम रही है। वाइट कलर की भी लाया मैंने, और जो भी होगा वीडियो में आगे मैं आपको ज़रूर बताऊँगा और ये कब तक भरेगा। और धीरे धीरे हम इसे सेटअप करेंगे अच्छी तरीके से ऐसा गप्पी और मॉली टैंक। देख सकते हैं वो छोटी सी बेबी भी वहाँ पे है, और मैंने जानबूझ के इसमें बैली वाली मॉली लाई है ताकि हमारा जो टैंक है बहुत जल्दी भर जाए। ये देखिए घूम रहे हैं सबके सब, वो देखिए तिलापिया वहाँ घूम रही है। बस काटे किसी को मत तिलापिया, क्योंकि वो एक बहुत खूंखार मछली, ये देख सकते आपकी आंखों के सामने ये इसके बेबीज को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी, तो मुझे उसे निकालना पड़ेगा क्योंकि वो बेबी इसको तो खा ही जाएगी। ये देखिए हमें ये मछली आखिरकार मिल ही गई, तो ये सभी को काट रही थी तो मैं ऐसे जल्दी से निकाल लिया था। तो चलिए बढ़िया है, अब इसे हम दूसरे टंकी में रखने वाले हैं, तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगी वो टंकी कौन सी है।
तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।